लाइट लेके आने का ना, टूट गई लाइट अभी जल्दी में। नहीं मैं बोल रहा हूँ लेके आने का लाइट। कांग्रेचुलेशन। लाइट लाइट मेरा ही लाइट हमारा है क्या? तुम्हें क्या लगा? अच्छा लगता है अब हमारे में जब होता है तो आर्टिस्ट को एक भी इन्फॉर्मेशन वाली बात होती है कि आप वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस अवार्ड दैट कम्स टू यू कम्स टू द ऑडियंस। तो हम जो कुछ भी करते हैं हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब तक ऑडियंस उसे नहीं देखेगी, उसे प्यार उस कैरेक्टर से प्यार नहीं करेंगे, तब तक शायद ये अवार्ड हमारे हाथ में नहीं आएगा। सो आई वॉन्ट टू थैंक डेनी चैनल्स फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस versatile actress, because versatile by itself is a very big word. Versatility मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं उस कैटेगरी में आ गई हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, एंटरटेन कर रही हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी भी एक्टर से ये पूछना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या है, ये कहना भी अनुचित रहेगा, बिकॉज जब हम एक रोल करते हैं तो हमको लगता है यार ये बेस्ट है, जब नेक्स्ट रोल आप उसको सुपरसीड करते हो तो आपको लगता है यार ये रोल भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करते करते आपके हर रोल्स में आप एक जान डालने की कोशिश करते हो, कुछ अलग करने की कोशिश करते हो। स्पेशली मी, अगर आपने मेरे कैरेक्टर्स देखे होंगे तो मैंने कभी, मैं नेगेटिव तो करती हूँ बट मैं कभी रिपीटेटिव नहीं हुई लाइक रंगोला सिकंदर। आई वॉज अ हार्ड कोर नेगेटिव नागिन में, जब मेरी एंट्री हुई तो मैंने इनिशियली बहुत हार्ड कोर नेगेटिव कैरेक्टर रहा, देन नागिन टू में मैंने हल्का सा उसे डिवेट करके कॉमेडी पे चली गई जो लोगों को बहुत पसंद आया। सो आई थिंक दिस इज वॉट यू हैव टू कीप डूइंग, अगर एज एन एक्टर अगर आपको यहाँ सस्टेन करना हो तो यू हैव टू कीप रीडिस्कवरिंग कि आप अलग क्या कर सकते हैं। बकेट लिस्ट तो अभी तो पूरा भरा हुआ है, तो मैंने जितना किया है आई थिंक इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत कुछ करना बाकी है। बट आई ओनली से आई एम थैंकफुल कि जहाँ तक मैं आई हूँ, जो जर्नी मैं ट्रैवल करके आई हूँ, मैं वो खुशनसीब हूँ, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, कई एक्टर्स हैं जो बहुत सारे सपने लेकर यहाँ आते हैं बट कुछ सपने साकार नहीं होते। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज जिस पोजिशन में हूँ मैं बहुत ही खुश हूँ। बट यस, ऊपर वाले की मेहरबानी रही और फैंस बस इस तरह से प्यार करते हैं। क्योंकि मैं खुद ही बहुत वाइब्रेंट हूँ, मैं अगर आप मेरे किरदार भी देखेंगे तो मैं नॉर्मल नहीं दिखती, मैं हमेशा वाइब्रेंट दिखती हूँ। एंड थैंक्स, साउथ इंडियन फैमिली से आई हूँ बट मैरिड इन टू पंजाबी फैमिली, तो पंजाबी वैसे ही बड़े वाइब्रेंट होते हैं। सो आई हैव टू थैंक माई हस्बैंड बिकॉज वो मेरे लिए बहुत बड़े गाइडिंग फोर्स है कि डल कपड़े मत पहनना, वाइब्रेंट पहनना, अच्छी लगोगी। सो आई थिंक उसी ट्रेंड में मैं अभी 25 साल 30 साल तो हो गए शादी होके, सो आई एम लाइक अब तो मैं टोटली वाइब्रेंट हो गई। आई लव देम एज मच एज दे लव मी, बिकॉज आज के ज़माने में हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना उलझा हुआ है, बट बावजूद उसके दे स्टिल हैव दैट टाइम टू लव मी अनकंडीशनली। वो एक मेरे लिए आई थिंक आई एम गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड, एंड बस इसी तरह लोग मुझसे प्यार करते रहे।